भाई चलो चलते हैं एलिफेंट बीच। इसके लिए आपका इंडियन मेनलैंड पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अपने कोई भी सिटी से आप अंडमान पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको या तो डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी या तो वन स्टॉप फ्लाइट। ओके, जैसे कि मैं यहाँ मुंबई से फ़्लाइट लेके पहुंच जाता हूँ बेंगलोर फ़्लाइट, जो होगी वन स्टॉप फ्लाइट। मैं बेंगलोर में स्टॉप करके अपनी अगली कनेक्टिंग फ़्लाइट से अंडमान के पोर्ट ब्लेयर के लिए निकल पड़ूंगा। उसका नाम है वीर सावरकर एयरपोर्ट। ओके, और वहाँ से मैं अपनी अगली जर्नी शुरू करूँगा हैवलॉक आइलैंड के लिए, और हैवलॉक आइलैंड में ही एलिफेंट बीच है। ठीक है, तो चलो पोर्ट ब्लेयर पहुँचने के बाद आपके आगे की जर्नी शुरू करने के लिए, मतलब स्वराज द्वीप आइलैंड जाने के लिए, आपके पास शिप फेरी की बुकिंग होनी ज़रूरी है। और ये बुकिंग आप जर्नी शुरू होने से पहले ही करवा लीजिए। और ये आपको या तो गवर्नमेंट फेरी मिलेगी या तो प्राइवेट फेरी, जैसे कि मैक्रूज। और मैक्रूज की बुकिंग है आपके पास तो मैक्रूज से जाने के लिए मैक्रूज फीनिक्स बे जेट्टी से चलती है, जो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके होटल से आपको ये फीनिक्स बे जेट्टी तक जाना होगा मैक्रूज फेरी से जाने के लिए। और ये मैक्रूज फेरी आपको अपने डेस्टिनेशन स्वराज द्वीप आइलैंड तक पहुँचा देगी। फीनिक्स बे जेट्टी पहुँचने के बाद जैसे ही आप मैक्रूज में बैठ जाते हो, आपकी जर्नी शुरू हो जाती है स्वराज द्वीप आइलैंड की तरफ। तो हम देखते हैं कि ये मैक्रूज अपनी जर्नी किस तरह से कंप्लीट करता है। यहाँ पे फीनिक्स बे जेट्टी है, और यहाँ से मैक्रूज चलती हुई यहाँ से यहाँ तक आके स्वराज द्वीप आइलैंड के नज़दीक पहुँच जाती है। फिर वो थोड़ा लंबा रास्ता काटते हुए लाइट हाउस की तरफ से उड़ते हुए यहाँ पे स्वराज द्वीप जेट्टी की तरफ जाके रुक जाती है, और वहाँ से आप अपने होटल पहुँच सकते हैं। ये हम पोर्ट ब्लेयर से पहुँचते हैं हैवलॉक जेट्टी, और इसके नज़दीक ही टिकट काउंटर है जहाँ से हमें बोट मिलेगी एलिफेंट बीच की तरफ। वो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये इस रास्ते से होते हुए हम पहुँच जाएंगे पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक यानी कि स्वराज द्वीप जेट्टी तक। फिर यहाँ से उतर के आपको इस तरफ यहाँ से यहाँ आना है, और यहाँ से इस रास्ते से जेट्टी के अंदर की तरफ होते हुए इस तरफ आना है जहाँ पे ये छोटे छोटे बोट्स दिख रहे हैं। ये भी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें एलिफेंट बीच बोट टिकट काउंटर की तरफ जाना है, और वहाँ से टिकट लेके फिर इस तरफ बोट्स की तरफ मुड़ना है, जिसमें से एक बोट हमें लेके एलिफेंट बीच की तरफ निकल पड़ेगी। और इस तरह से एलिफेंट बीच टिकट काउंटर से होते हुए वो बोट हमें इस रास्ते से एलिफेंट बीच की तरफ लेते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगी, जहाँ जाके वो रुक जाएगी जहाँ एलिफेंट बीच आता है। और बीच रास्ते हमें लाइट हाउस पॉइंट दिखेगा, जो बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। Thank you.
आपका फिर एक बार स्वागत और धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। हैवलॉक जेट्टी से नाव में सवार होकर एलिफेंट बीच पहुंचने के लिए लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है और हम 5 जन थे और 5 जन को अलग से एक बोट की सवारी मिलती है और बोट वाले नाविक स्नॉर्केलिंग कराने वाले तैराक होते हैं। हम 5 लोगों के बोट का टिकट 4,750 रुपये हो गया था। एलिफेंट बीच पहुँचने के बाद नाव चलाने वाले नाविक आपको एलिफेंट बीच पर क्या क्या करना है इसकी पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि बोट के टिकट के साथ आपको लिमिटेड स्नॉर्केलिंग फ्री है। ये लिमिटेड स्नॉर्केलिंग क्या होती है? लिमिटेड स्नॉर्केलिंग में आपको किनारे से नज़दीक छिछले पानी में स्नॉर्केलिंग करना फ्री होता है। वो आपको ये भी बताएंगे कितनी दूरी तक आपको फ्री स्नॉर्केलिंग है। स्नॉर्केलिंग करते हुए आगे और थोड़े गहरे पानी में जाना है तो कितने पैसे लगेंगे वो भी वो आपको बताते हैं। गहरे पानी में स्नॉर्केलिंग के 800 रुपये प्रति व्यक्ति लगते हैं। आप अपने समय के हिसाब से दोपहर के खाने का वक्त और स्नॉर्केलिंग का वक्त तय कीजिए। एलिफेंट बीच पे खाने के लिए स्नैक्स जैसे कि फ्रूट प्लेट, कोकोनट, टी, कॉफ़ी, पानी आप खरीद कर ले सकते हो। एलिफेंट बीच पर लॉकर, चेंजिंग रूम, वॉशरूम की भी सुविधा है। वैसे तो स्नॉर्केलिंग करते हुए पूरा अंतर काट के वापस आने में 30 मिनट लग जाते हैं। आपको नाविक 3 से 3.5 घंटे का समय देगा जिसमें आपको स्नॉर्केलिंग करके और एलिफेंट बीच घूम के वापस आना होता है। तैराक आपको समंदर में 10 से 50 मीटर तक गहरे पानी में लेके जाके स्नॉर्केलिंग करवा के लाएंगे। स्नॉर्केलिंग में पानी के अंदर आपकी फोटो क्लिक करेंगे और वीडियो भी निकाल के देंगे, और अगर आपका वाटरप्रूफ कैमरा है तो आप भी अपनी फ़ोटो खुद खींच सकते हो। स्नॉर्केलिंग में आपको सिर्फ पानी की सतह पर तैरते हुए मास्क से नीचे देखते हुए बिना हिले डुले तैरते रहना है। आपको स्नॉर्केलिंग का मास्क दिया जाएगा जिससे आप दूसरी तरफ का
नज़ारा आर पार नज़दीक और साफ साफ देख सकते हैं, जो आपके पूरे चेहरे के नाप का होता है और आपके चेहरे को ढक के पूरी तरह से वो कवर कर लेता है। सांस लेने के लिए हवा की ट्यूब निकली हुई रहती है, जिसका एक छोर मास्क में और दूसरा छोर पानी के सतह के ऊपर हवा में होता है, और आपको हवा से भरा हुआ हल्का फुल्का गोल टायर ट्यूब दिया जाता है, जिसके अंदर से होते हुए आपको अपने कंधे और दोनों हाथ और सिर बाहर निकाल के पानी में अपना शरीर बिना हिले डुले, बिना हाथ पाँव हिलाए छोड़ देना होता है। आपको पानी के सतह पर बिना हाथ पाँव हिलाए हुए पेट के बल लेटा होना होता है। हवा से भरी टायर ट्यूब के कारण आप तैरते रहते हैं। इसी टायर ट्यूब को मोटी रस्सी लगी होती है, जिसके सहारे तैराक आपको पानी के ऊपर सफ़र कराते हुए स्नॉर्केलिंग करवा लाता है, और इसी रस्सी से आप एक और साथी स्नॉर्केलर के साथ भी जुड़े हुए रहते हैं, ताकि आप लहरों की दिशा में बहते हुए ना चले जाए। इसमें आपको कोई मेडिकली फिट होने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि स्कूबा डाइविंग में होती है। यह हर कोई कर सकता है। स्नॉर्केलिंग और स्कूबा डाइविंग में यह अंतर है कि स्नॉर्केलिंग में आप हमेशा पानी के सतह के ऊपर बने रहते हैं, जबकि स्कूबा डाइविंग में आप पानी के अंदर तैरते रहते हैं और आप पानी के तलहटे फ्लोर में के अंदर की ज़मीन पर भी पाँव जमा सकते हैं और उसका अनुभव ले सकते हैं। यह होता है स्कूबा डाइविंग में, जबकि स्कूबा डाइविंग में आपको विशिष्ट प्रकार का गोताखोर और सूट पूरी तरह से पहनना होता है। स्नॉर्केलिंग में आपको सिर्फ स्नॉर्केलिंग गियर की आवश्यकता होती है, मास्क, बड़ी सी टायर ट्यूब, रस्सी और एक तैराक या आपकी खुद की तैराकी। फ़र्क यह है कि स्नॉर्केलिंग में मास्क में लगा हुआ मैग्नीफाइंग ग्लास नीचे नज़दीक होने का आभास कराता है, जबकि स्कूबा डाइविंग में आप असलियत में समुंदर के पानी के अंदर चीज़ों के और मछलियों के बीच में तैरने का अनुभव लेते रहते हैं। Thank you.